नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में किया प्रतिभाग। कहा, अब तक हो चुकी 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के बड़कोट में किया रोड शो। लाभार्थी सम्मान समारोह में लाभार्थियों को किया सम्मानित, लोगों से किया सीधा संवाद। प्रदेश को मिली एक और नई ट्रेन की सौगात। लालकुआं से अमृतसर के लिए सप्ताह में एक दिन चलने वाली लालकुआं अमृतसर ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई हरी झंडी। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बागेश्वर जिले के कपकोट और बागेश्वर विधानसभा में स्वीप टीम कर रही है मतदाताओं को जागरूक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही उद्योग विभाग के 64 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उद्योग जगत से आए हुए उद्योगपतियों तथा प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज ग्राउंडिंग सेरेमनी के तहत 27,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा रही है। इस प्रकार अब तक 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि आप सिर्फ हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। हमने दिल्ली, लंदन, दुबई, अहमदाबाद, मुंबई, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून आदि स्थानों पर निवेश हेतु जितने प्रयास किए उसे आगे बढ़ाने का कार्य आप लोगों ने किया तथा विकास के हर क्षेत्र में आपने योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्राउंडिंग हमारे द्वारा संपादित MOU का 20% है जो हमने महज 3 माह में प्राप्त किया है। इसे हम 100% पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक कहा है। प्रधानमंत्री का इस राज्य से विशेष लगाव के साथ उनका उत्तराखंड से कर्म व मर्म का रिश्ता है और पिछले 10 सालों में उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य हुए हैं। कोई हमारा, मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ कि कोई ये हमें संतुष्टि नहीं है कि 71,000 करोड़ का हो गया सब मिला के। हमको तो पूरा 100% करना है। अभी 20% हुआ है, पूरा 100% हम इसको करेंगे। इसलिए ये हमारी शुरुआत हुई है, ये कोई हमारा समापन नहीं है। और देवभूमि को हम एक डेवलप भूमि, उद्योग की भूमि, एक आदर्श भूमि बनाने के लिए हम काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार जो भी योजना बनाती है उसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। उत्तरकाशी के बड़कोट में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़कोट में रोड शो किया। सड़क मार्ग से पुराने तहसील होते हुए उनका रोड शो बड़कोट गांव स्थित रामलीला मैदान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से सीधे संवाद कर उनको सम्मानित किया। लालकुआं से अमृतसर के लिए सप्ताह में एक दिन चलने वाली लालकुआं अमृतसर ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिख समाज की अमृतसर के लिए ट्रेन संचालन की मांग लंबे समय से थी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन का लाभ कुमाऊं मंडल को भी मिलेगा। ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद ट्रेन के संचालन में वृद्धि की जाएगी। लालकुआं अमृतसर एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को लालकुआं से दोपहर 1:40 पर रवाना होगी। अंबाला, लुधियाना और जालंधर सिटी होते हुए अमृतसर अगले दिन सुबह 2:20 पर पहुंचेगी। उसी दिन सुबह अमृतसर से 5:55 पर लालकुआं के लिए जालंधर, सहारनपुर, मुरादाबाद और उदयपुर होते हुए वापस पहुंचेगी।
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने रेल मंत्री जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि एक के बाद एक जो हमने जनता का विश्वास हमारे ऊपर था उसके अनुरूप जो वादे किए थे वो आज पूरे होते जा रहे हैं। चाहे जमरानी बांध हो, चाहे एम्स हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे रोपवे हो, अभी हम अयोध्या के लिए ट्रेन के लिए भी प्रयत्नरत हैं, अयोध्या के लिए जहाज़ लगाने के लिए भी प्रयत्नरत हैं, और यहाँ से देहरादून और देहरादून से जहाँ ट्रेन जारी है अमृतसर, वहाँ के लिए भी जहाज़ लगाने के लिए प्रयत्नरत हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% भागीदारी के लिए निर्वाचन आयोग स्वीप टीम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बागेश्वर जिले के कपकोट और बागेश्वर विधानसभा में मतदान जागरूकता संबंधी चित्र और संदेश अंकित किए जा रहे हैं। वॉल पेंटिंग से लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। स्वीप टीम विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों, DL-ED प्रशिक्षुओं और विद्यार्थियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रही है। स्वीप टीम ने भारी बर्फबारी में भी कपकोट विधानसभा में विनायक धूर क्षेत्र में ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया। स्वीप टीम के सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे ने कहा कि उच्च हिमालयी गांवों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य क्षेत्रों से आए लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। के तहत स्वीप टीम लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। इससे पूर्व हमने 43 बूथों में जो कि 50% से कम मतदान वाले थे उसमें बृहद जन जागरूकता अभियान चलाया है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे मौसम भी बिगड़ा है, बर्फबारी भी हुई है, उसके बीच में भी जो हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीम जो हमारी है, एक जागरूकता की टीम है, पेंटिंग वाली टीम है, तो अभी कल जो हमारी पेंटिंग वाली टीम थी वो हमारी धुर, विनायक और कर्मी वाले इलाके में पहुंची है और वहाँ उनके द्वारा मतदाता जागरूकता के विभिन्न जो ग्रैफिटीज़ हैं, स्प्रे पेंटिंग आदि बनाई गई हैं। ये लगातार कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है विविध जगहों में। वहीं DL-ED प्रशिक्षु ने बताया कि पेंटिंग जागरूकता के सबसे ज्यादा सशक्त माध्यम है। इसके जरिए हम लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम लोग विभिन्न प्रकार के ग्रैफिटीज, वॉल पेंटिंग्स, स्प्रे पेंटिंग्स और वॉल पेंटिंग्स के थ्रू ही डिस्ट्रिक्ट के जगह जगह पर वॉल्स में पेंटिंग के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारे देश में वोटिंग का जो परसेंट गिर रहा है लगातार, वो थोड़ा बढ़ेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की ओर से CSR मद में 50 CCTV कैमरे लगाए गए, जिनका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन कैमरों के लगने से अपराधी जल्द ही पकड़ में आएंगे और आने वाले चुनाव में भी इससे बहुत सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब कोटद्वार स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। मैं BEL का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। कोटद्वार में आज 1,06,00,000 की लागत से यहाँ पर 50 कैमरे और फाइबर लगा है, और सिक्योरिटी के नज़रिए से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो कोटद्वार के लिए ये एक एक्सेलेंट आज ये कार्य हुआ है। इनका जो कंट्रोल रूम है, इट इज़ बहुत सुंदर है, हाईटेक है, और वहीं बैठकर हम पूरे कोटद्वार में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम देख सकते हैं। इस अवसर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के अनुसंधान और विकास विभाग के निदेशक मनोज जैन ने कहा कि ब्लैक फाइबर से सीधा कनेक्शन कंट्रोल रूम में होगा। डार्क फाइबर बोलते हैं हम उसको, तो डार्क फाइबर का मतलब हमने इसके लिए स्पेशली एक फाइबर भी लाइन बिछाई है, तो उस लाइन में बिछाने के कारण फाइबर की अपने आप में एक बहुत बड़ी बैंडविड्थ होती है, तो ये कैमरे का जो अच्छा कैमरा है उसका पूरा डेटा कंट्रोल सेंटर तक बिना रुके अच्छे रेजोल्यूशन से आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हम वीडियो एनालिटिक्स कर सकते हैं
तो उस वीडियो एनालिटिक्स करके हम और एंड और इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से लगाए गए 50 कैमरे उच्च शक्ति के कैमरे हैं। इनमें कुछ कैमरे ऐसे हैं जो चलती गाड़ी के नंबर प्लेट्स भी आसानी से पढ़ सकते हैं। आज कोटद्वार शहर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि स्मार्ट पुलिसिंग की ओर हमारे जो बढ़ते कदम है उसके तहत आज 50 सीसीटीवी कैमरे और हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे जो हैं विद अ वेरी स्मार्ट कंट्रोल रूम जिसमें लाइव फीड जो है उन सीसीटीवी कैमरेज की वो मिलेगी और आज उसका लोकार्पण किया गया है। इसमें हमारे पास फिक्स कैमरेज भी हैं, हमारे पास ANPR कैमरे भी हैं, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर्स जो कि हमने रिकग्निशन कैमरे जो कि हमने बॉर्डर एरियाज पे लगाए हैं तो वहाँ पे अगर कोई अपराध कारित करके भाग भी रहा हो तो उनके व्हीकल के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो भी लिफ्ट अप किए जा सकते हैं। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित होने के बाद अजय टम्टा का अल्मोड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अजय टम्टा ने उन पर फिर से भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सामान्य परिवार से होने के बाद भी उनको लोकसभा जाने का पुनः अवसर मिला है। श्री टम्टा ने कहा कि 2024 का चुनाव भारत का विशेष चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो अभियान चला रहे हैं वो जरूर सफल होगा। आने वाले समय के अंदर ये 2024 का चुनाव है, ये चुनाव पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा एक आने वाला समय भारत के लिए है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए भारत माता में सभी लोक मतदाताओं को ये अवसर मिला है कि भारत माता को सर्वोच्च स्थान पर ले जाए और नरेंद्र भाई मोदी जी के इस अभियान में जो अभियान में वो लगे हैं कि भारत विश्व गुरु बने उस अभियान में सफल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सांसद के स्वागत के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अल्मोड़ा लोकसभा चुनाव प्रभारी सुरेश भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सहित कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस परिवार की महिलाओं और सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए पुलिस लाइन पौड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये स्वास्थ्य शिविर रोटरी क्लब देहरादून और एक निजी अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में जहाँ महिला पुलिसकर्मियों, सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, वहीं स्तन कैंसर को लेकर जागरूक भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि पुलिस सेवा में कार्यरत महिला कर्मी 24 घंटे की ड्यूटी के कारण कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही कर देती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर ये शिविर आयोजित किया गया है। वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी कभी बहुत लापरवाही बरतती हैं। 24/7 की उनकी जॉब रहती है और उसके बाद जो है उनको परिवार को भी देखना होता है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं हेल्थ को वो निग्लेक्ट करती हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज ये एक कैंप लगाया गया है। डिटेल्ड एग्जामिनेशन भी होगा, उनके टेस्ट भी होंगे, तो उसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और कैंसर जागरूकता के लिए पहुंची कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनमोल ने कहा कि इस शिविर में हम स्तन कैंसर और फेफड़ों के कैंसर की जांच कर रहे हैं। कैंप में हम स्क्रीनिंग करेंगे हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए, ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए एंड सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। स्पेशली ये बनाया गया है महिलाओं की जाँच के लिए ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग कर सकें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में किया प्रतिभाग। कहा, अब तक हो चुकी 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के बड़कोट में किया रोड शो। लाभार्थी सम्मान समारोह में लाभार्थियों को किया सम्मानित, लोगों से किया सीधा संवाद। प्रदेश को मिली एक और नई ट्रेन की सौगात। लालकुआं से अमृतसर के लिए सप्ताह में एक दिन चलने वाली लालकुआं अमृतसर ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई हरी झंडी।
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बागेश्वर जिले के कपकोट और बागेश्वर विधानसभा में स्वीप टीम कर रही है मतदाताओं को जागरूक। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।